يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم everyone. It's Raja Ali from Saudi Arabia. I'm expatriates here from belong to Pakistan. Last 30-40 years I'm in Saudi Arabia. Working in a very reputable company. I just only introduce myself on because I'm going to upload my first vlog. Why I came in this field, vlog field, that is only a fun purpose. And second thing that I want to do some different vlog related to Saudi Arabia to show the normal, common person things, how he lived here, what his journey, how he spent his day, everything related to any expatriates in Saudi Arabia. So that is the main purpose that I recorded that video and I'm going to share my first vlog. It is my luck that Ramadan started and I have performed Umra, and that recording related to Umra, that will be my first vlog. I'm not a professional blogger, I'm not a professional video maker, so I know that there were so many blunders during the recording. It's been done, but ignore it. The first time I will learn day by day, and hopefully inshallah it will be good journey with you all people. So support me, subscribe my channel, and just watch this vlog. Thanks. Assalamu alaikum. So the journey started now toward Makkah. So Muhammad Nabi यहाँ पे हम आए हैं अभी उमरा करने के लिए हम जा रहे हैं. तो ये एक स्टैंड है जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं. तो नजम साहब ने गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे. तो घर से हम निकले थे तो उस वक्त तो अफरा तफरी में वीडियो नहीं बन पाई तो कैसा थोड़ा सा रोड का बनाया मैंने. अभी हम निकले हैं तो ये यहाँ पे गाड़ी पार्क की है. तो ये मक्का कहलाता है. यहाँ से जितने भी प्राइवेट है लोग उमरा करने के लिए जद्दा से जाते हैं. यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, लोगों ने अपनी लाई होती हैं, उसमें बैठ के जाते हैं. तो देखें अभी तो गाड़ी वाला देखते हैं उसको, कहते हैं कि वो हमने जाना है मक्का, वो क्या प्राइस वगैरह लेता है, क्या वो हिसाब किताब है. तो फिर इंशाल्लाह आगे का सफ़र शुरू करते हैं. होपफुली आपको अच्छा लगेगा जो भी हमारा सफ़र होगा. तो इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालने वाला है. दुआ करें अल्लाह इस सफ़र को बाबरकत करे और हमारे लिए बाइस रहमत बनाए. तो देखते हैं अभी इंशाल्लाह कैसा है ये. मैं आपको दिखाता हूँ इसका. ये देखें ये पूरा पीछे जितनी भी है गाड़ियाँ पार्क हुई हैं सारी नज़र आ रही है आपको. सब गाड़ियाँ पार्क वो उसी में चले, वो बिठा रहे बंदे, वो उसी में पूछते हैं कितने लेते हैं. उसी में चले चलते किराए का मसला बना हुआ है यार. तो 30 मांग रहे, को 20 मांग रहे हैं. नॉर्मल 10-15 रियाल में जाते हैं, आज 30-30 रियाल मांग रहे हैं. क्या बता करे यार, ये भी तो नाजायज फायदा उठाते हैं. चले देखे किस्मत में क्या लिखा हुआ है. बाल भी मेरे खराब हो गए.
कर लूंगा और चले अच्छा देखते हैं कैसा है। क्या बनता प्रोग्राम कैसा साफ साफ होता है आ जाओ उन्हें को पूछ लेने फिर। तो अभी हम निकले हैं जद्दा से, शहर की वीडियो तो नहीं बना पाया, उसकी वजह यह कि शहर सारे एक जैसे होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, रोड, गाड़ियां, सब कुछ। लेकिन अभी हम निकल रहे हैं जद्दा शहर से बाहर, तो यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप आपको मिलेगी, पहाड़ नजर आएंगे आपको, सहरा का भी मंजर आपको दिखेगा, बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म एक सीन होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। कंटिन्यूसली वैसे वीडियो नहीं बना सकते जैसे आप बाकी मुल्कों में या अपने मुल्क में बना सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, गाड़ी में बैठी फैमिलीज होती है, आप वैसे फ्रीली मूव नहीं कर सकते कैमरा को, कोई भी बंदा इतराज कर सकते हैं कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसलिए बड़ा केयरफुल होके तो सब कुछ करना पड़ता है। तो देखिए बीच बीच में से मैं शॉट लेता रहूँगा, फिर इन्हें जोड़ देंगे होपफुली एक अच्छा। तो अभी हम जो है वो हरम की हदूद में दाखिल होने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वो पॉइंट जहाँ से हरम की हदूद में दाखिल होते हैं। ये सऊदी बिन लादेन कंपनी है, उन्होंने हदीयतन एक बिल्ड किया है जो मक्का और जद्दा के दरमियान हाईवे है उस पे ये इन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ से आगे हरम की हदूद शुरू हो जाती है। काश कि हमारी अपनी गाड़ी होती तो बड़ा फ्रीली हाथ बाहर निकाल के तो वीडियो बना सकते थे, बता सकते थे कि कैसा है, बट चले एनी हाउ जो जितना है उतना तो चलो हो ना, तो होपफुली आपको अच्छा लगे। ये डिफरेंट किस्म की जगह बनी हुई है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है, लोग आते हैं यहाँ पे पहाड़ी इलाके में फैमिलीज के साथ आते हैं, यहाँ पे कैंप वगैरह लगाते हैं, रहते हैं रात को, तो अच्छा एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पे जो भी आते हैं। तो ये अभी आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ये जो है ये हरम की हदूद यहाँ से शुरू हो रही है इस जगह से। तो अभी हम हरम की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, तो रोज़ा खुलने में भी तकरीबन 40 से 45 मिनट रह गए हैं, अब अल्लाह करे कि हम रोज़ा खुलने के टाइम पे पहुंच जाएं हरम के अंदर, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। तो हरम के हदूद में है तो होपफुली ये अच्छा रहेगा, देखते हैं इंशाल्लाह। जी अब मक्का के हदूद में हम आ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये डिफरेंट किस्म की मॉस्क बनी हुई है, कितनी प्यारी ब्यूटीफुल मॉस्क है, ये देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको नजर आ रही होगी, डिफरेंट घर नजर आ रहे होंगे, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है गाड़ी की वजह से, जो गिम्बल है उसमें तो वीडियो बड़ी अच्छी बन जाती है, उसमें इस तरह का कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप ट्राईपोर्ट के लिए बनाए तो वो यही इशू आएगा कि मुसलसल जो वीडियो वो हिलती रहेगी। तो ये ऊपर भी वो ऊपर रिहाइश है लोगों ने बनाई हुई पहाड़ों के ऊपर, तो हमारा अच्छा सीन है, डिफरेंट है। अभी भी 13 किलोमीटर है हरम यहाँ से, तो दुआ है कि रोज़ा अफ्तारी के वक़्त पे हम पहुँच जाएँ। ये जो जायरीन बाहर से आए हुए उमरा करने उनकी बसें हैं जो जा रही हैं, आगे पीछे एक चेक पॉइंट है वहाँ पे जो भी लोग उमरा करने आते हैं इसमें रमज़ान के दिनों में, तो जिसने भी ड्राइवर ने एहराम बांधा होता है उसे फिर आगे नहीं जाने देते क्योंकि आगे रश हो जाता है, गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं होती, तीसरे ने पीछे ही वहाँ पर इन्होंने जगह बनाई है वहाँ पर स्टे कराते हैं, फिर बसों के जरिए आगे लेके जाते हैं।
पर जो आम लोकल ट्रांसपोर्ट में आते हैं वो इजीली वहाँ चले जाते हैं बगैर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी इशू के, उनके लिए कोई मसला नहीं है वहाँ जाने के लिए। ये हाउस ऑफ डोनट मिला हुआ है, तो अभी जो है हम ये हरम में उतरे हैं नीचे। यहाँ पे ये जो है ना नीचे वाली साइड है हरम की, यहाँ पे उतरे हैं हम। अब हम ऊपर जाएंगे यहाँ से हरम में, तो बिल्कुल सीधे हरम में ही निकलेंगे इंशाअल्लाह। चलो दिखाते हैं आपको हरम, हम वहाँ कराते हैं आपको। ये है दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हरम में पहुंच गए। ये हरम में पहुंच गए, अब हम जगह ढूंढेंगे। बैठ के रोजा अफ्तार आगे चले, वहां से घूम के आना पड़ेगा। वो आगे से यहाँ पे असल में इतना रश हो जाता है, इतना रश हो जाता है कि कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता कि कैसे हो जाए। यहाँ से रास्ता ये है हरम। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदी من مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته اتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة، محمد رسول الله.
لا